हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम फोकस करेंगे कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। कोन का मैं वॉल्यूम बताऊंगा, क्या होता है उसका रिजल्ट, एंड सेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के लिए बात करेंगे। ओके, ये सभी क्या है भाई, रिजल्ट ही याद करना पड़ेगा अभी इस लेवल पे। इंटीग्रल की हेल्प से आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वो याद करने का भी है, तो रिजल्ट पे मैं फोकस करूंगा। वो क्या देता है वो समझ में आना ज्यादा जरूरी है। ओके, ध्यान से देखिए, कोन के बारे में सरफेस एरिया के सब टाइम मैंने इसके टेक्निकल टर्म आपको बताए थे कि ये मेरे पास वर्टेक्स रहता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बेस सर्कुलर एंड ये स्लैंट हाइट रहती है, ये सब मैंने बताया था। तो ये भी बताया था कोन कैसे बनता है। कोन में अगर मैं राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं इसे ऐसे रोटेट कर दूंगा तो ये मेरे पास कोन बन जाएगा, और सरफेस एरिया के बारे में हम बात कर चुके हैं। ओके, इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे मान के चलिए जो सिलेंडर बनेगा इसी रेडियस का और सेम हाइट का, उसमें तीन कोन आ जाते हैं। याद करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। इसका वॉल्यूम का भी इंटीग्रल की हेल्प से आता है, और अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो आपको याद भी करना है ये अच्छे से, लाइक ये अगर मुझे ये एरिया रेडियस मालूम है और ये कैसे भी ये हाइट मालूम है, ये वाली जो हाइट है, अगर ये हाइट मुझे मालूम है तो इसका वॉल्यूम मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लाइक इसका वॉल्यूम मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ध्यान से समझिए, इसका वॉल्यूम आता है मेरे पास कितना आता है उसको समझना। इसका वॉल्यूम आता है पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री। ओके, अगर मैं कोन से इसका कंपेयर करूं या सिलेंडर से कंपेयर करूं तो ऐसे तीन लाइक तीन कोन एक सिलेंडर में आ जाते हैं सेम हाइट के में, ठीक है ना। ये एक जगह, ये दूसरा, तीसरा, लाइक ऐसे मैं बात कर सकता हूँ। एंड इसका जो एक्सप्लेनेशन है वॉल्यूम, वो वॉल्यूम इंटीग्रल से आता है। आगे की जो क्लासें हैं, आगे की सेशंस हैं, आगे की क्लासें हैं, वहाँ पे आप इसका जो प्रूफ सीखेंगे ये आपको याद रखना है। ओके, कम से कम ये जरूर मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना वॉल्यूम से रिलेटेड, कि जब जब मेरे पास क्या होगा, जैसे एक पॉइंट पे आ जाएगा लाइक, तो वॉल्यूम वन थर्ड हो जाता है। ये इंटीग्रल की हेल्प से रिजल्ट आता है। जैसे अगर ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ठीक है ना, ये मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला सर्किल एक पॉइंट पे आ गया तो ये क्या बन गया, कोन बन गया। तो जो इसका वॉल्यूम लाइक वी है तो इसका कितना होता है, वी बाई थ्री होता है। ये सर्कुलर के लिए नहीं, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर पाइप होगा, ध्यान से समझना ये काम की बात है थोड़ी सी। अगर मान लो मेरे पास रेक्टेंगुलर पाइप है, ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, और इस टाइप का जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम मुझे मालूम है, और बाई चांस आपको इसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ये पिरामिड का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, और ये इसका बेस क्या हो, बेस मेरे पास क्या हो, इसका रेक्टेंगल हो, तो अगर इसका वॉल्यूम वी है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी बाई थ्री होगा। ये पैटर्न होता है, मतलब ये वॉल्यूम इंटीग्रल से आता है, ये आपको अच्छे से याद रखना काम देगा काफी। ओके, बात समझ आ गई। जैसे सिलेंडर से कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वैसे ही रेक्टेंगुलर पाइप की हेल्प से एक ऐसे पिरामिड का वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं जिसका बेस एरिया सेम। ओके, यहां पर यही बात सीखने की है कि ये एक पैटर्न होता है, इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है, एच है। जब जब एक सरफेस एक पॉइंट पे आ जाता है तो वॉल्यूम वन थर्ड हो जाता है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना। ओके, स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो ये भी भाई याद करना है, गैन हम सब जानते ही हैं, सरफेस एरिया होता ही है। तो इसका सरफेस एरिया कितना आता है, सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर इसके वॉल्यूम की बात करूं मैं तो वॉल्यूम होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। याद करना है ये भाई, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करता हूं और ये लाइक इसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूं तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। ओके, एंड वॉल्यूम आएगा 2 बाई 3 पाई आर। सिंपल है, याद करना है,
और मुझे लगता है कोई दिक्कत है नहीं। और अगर मैं इसे भी काउंट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे भी काउंट करता हूं, ये रिजल्ट की तरह आपको अभी ध्यान रखने हैं, इनके एक्सप्लेनेशन इंटीग्रल की हेल्प से आते हैं तो ज्यादा कोई टेंशन है नहीं। इसे भी अगर मैं काउंट करूंगा तो ये पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा सरफेस एरिया, एंड लाइक सॉलिड के केस में काउंट करना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ध्यान से देखिए, तो इसका जो सरफेस एरिया वो कितना आ जाएगा, 3πr². ओके, तो सिंपल है, वॉल्यूम की अगर बात हो रही है तो 4/3πr³। एंड मुझे लगता है ये आप याद रख सकते हैं, अगर आप स्फीयर का याद रखेंगे तो काफी बेनिफिशियल होगा। मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत अब आपको नहीं आनी चाहिए, एज अ रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है। ओके, मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए एज अ रिजल्ट ही आपको ध्यान रखना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया 4πr² एंड 4/3πr³, ये दोनों ध्यान रहेंगे तो हेमिस्फीयर के लिए भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंड कोण के लिए भी कोई भी बात नहीं होगी। ओके, समझ गए, आसान सी बात है यार। बेस एरिया कई बार इसे मैंने इसलिए बता दिया है, इसे हम बेस कहते हैं एंड इसे कैप एरिया कहते हैं, ये जो ऊपर का रहता है इसे कैप कहते हैं, मैंने बता दिया, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, कोण का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई थ्री। यहां से कंसेप्ट क्या समझा, सिलेंडर से कोण बनते समय वॉल्यूम 1/3 हो गया। इन द सेम वे, अगर मेरे पास कभी रेक्टेंगुलर पाइप होगा और एक पिरामिड मैंने बना दिया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जब जब एक सरफेस एक पॉइंट पे आ जाता है तो वॉल्यूम 1/3 हो जाता है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। दूसरी बात, स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³। सरफेस एरिया कितना है, 4πr² एंड हेमिस्फीयर वॉल्यूम 2/3πr³। एंड अगर सर्कुलर सरफेस है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं तो सरफेस एरिया 2πr² और उसे काउंट कर रहे हैं 3πr². ओके, तो ये रिजल्ट आपको याद करने हैं और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट इसके हो गए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। अच्छे से तैयार करिए, आगे के सेशंस में मैं इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स लूंगा। ओके,